हमारी दशम दीपानी शक्ति ऐसे विफल नहीं हो सकती माते। हे पृथ्वी देवी, इस पृथ्वी पर समस्त वनस्पतियों का निर्माण, उसका उदय आपके उदर से ही होता है। ओम ओम जूम सह केसरी पालय पालय संजीवय संजीवय ओम फट स्वाहा। हे परम कल्याणकारी संजीवनी बूटी, पृथ्वीलोक के इस द्रोणगिरी पर्वत पर आज एक बार पुनः आपकी उत्पत्ति हुई है। इस कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम सबका नमन स्वीकार करें। हे पंच तत्वों, चंद्रदेव एवं देवकच्छ, आज इस द्रोणगिरी पर्वत पर जो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है वो विश्व में अनुपम है। ऐसा पहली बार हुआ है जब आप सभी के सहयोग से किसी वनस्पति के पूर्ण रूप से समाप्त हो जाने के बाद भी उसकी पुनः उत्पत्ति हुई हो। इन सब आयोजन के लिए आप सब, ये संपूर्ण जगत, स्वयं मैं सदैव मारुति के आभारी रहेंगे। हे मारुति, हे हनुमान, आपको हमारा शत शत नमन। देवागन सारी सृष्टि नचाए दियो। जय जय मारुति अंजनी नंदन। प्रभु कार्य असंभव को संभव बनाए, अंजनी सुत बजरंग बली। श्री राम प्रभु के काम बनाए, राम भक्त बजरंग बली। दोनों ही बालक लीलाधर हैं अद्भुत लीला रचाए रहे। जय जय मारुति अंजनी नंदन, सृष्टि में लीला रचाए दियो। होई होई संजीवनी बूटी, धरती में उपजाए दियो। जय जय मारुति अंजनी नंदन, जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली,
जय 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 बजरंग बली। स्वामी अंजना, अंजना पुत्री पुत्री कैसे पुत्री, भगवान महादेव ने हम सबकी सुन ली है। पुत्र केसरी अब बिल्कुल ठीक है। सब आप ही का आशीर्वाद है। अब केसरी जी का जीवन आपकी सांसों से बंध गया है। आपकी इच्छा के बिना अब केसरी जी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? मैं सत्य कह रहा हूँ महारानी। मैंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा है, महाकालेश्वर ने स्वयं आपको इच्छा मृत्यु का वरदान देकर केसरी जी के प्राणों को आपके साथ बांध दिया है। इन वानरों को नहीं छोड़ेंगे, इनका सर्वनाश करके रहेंगे। हम रावण है, हम माते। रावण शांत हो जाओ पुत्र, शांत हो जाओ। हम लंका में जाकर इस विषय पर अच्छी तरह से विचार करेंगे। चलो अब चलते यहाँ से। नहीं माते, हम लंका। रावण, अब तू यहां से कभी नहीं जा सकता है। मेरे चेतावनी देने के बाद तूने मेरे मित्र पर बार बार प्रहार किया और आज मैं उसका दंड
तुम्हें यही दूंगा। सिंह है हम, रावण है हम, और सिंह के मांद में आकर तू सिंहों को ललकार रहा है। सिंह नहीं, सियार है तू। धिक्कार है तेरी वीरता पर, जो तूने मृत्युशैया पर पड़े केसरी को बार बार मारने का प्रयास किया, किंतु आज मैं तुझे मारूंगा, और वो भी ललकार के मारूंगा तुझको। अरे तू क्या मारेगा हमें बाली, हमें तो वरदान मिला है कि हमारी मृत्यु केवल नर के हाथों होगी, और तू तो वानर है बाली। रावण, भूल गया वो दिन जब तू इसी वानर की काक में तबा हुआ तड़प रहा था, और आज यही वानर तेरे इस वरदान को तेरे लिए अभिशाप बना देगा। तुझे दिखाते हैं कि इस तशानन रावण का बल क्या है। खुलना नहीं तू, रावण है हम। बड़ी बड़ी ढींगे हाका करता था, आज कहां जाकर छुप गया है। अब बाहर निकल, मैं बताता हूं तुझे कि वीरता क्या होती है। रावण, पाली, अब तुम मेरे पुत्र तक पहुंच ही नहीं सकते। उसने जल कुंभी समाधि को सिद्ध किया हुआ है, अब तुम उसका कोई हित नहीं कर सकते। रक्ष माता केकसी,
जिस पुत्र की आप जैसी माँ हो वो मात्र अधर्मी ही हो सकता है। उसने कितनी भी सिद्धियां क्यों ना प्राप्त कर ली हो किंतु सदैव वही परास्त होगा, क्योंकि विजय सदैव सत्य की होती है। राजमाता केकसी, और हाँ, कह देना अपने उस पुत्र से कि पुनः इस प्रकार का दुस्साहस ना करे, नहीं तो इस जल के भीतर घुसकर वही उसे मारूंगा, समझी? दिव्य संजीवनी बूटी के पौधों, हमें अपने पिता के उपचार के लिए आपसे कुछ बूटियां चाहिए, अतः हमें बूटी ग्रहण करने की अनुमति दें। चंद्रदेव, आपकी कृपा और देव कच के प्रयासों से अब मेरे पिताजी स्वस्थ हो जाएंगे। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। हे हनुमान जी, आपकी सहायता करके हम भी धन्य हो गए। मारुति, धन्यवाद के पात्र तो आप हैं। आप ही के कारण मैं इस श्राप से मुक्त हो पाया हूँ, और आप ही के कारण इस द्रोणगिरी पर्वत पर पुनः ये जीवनदायिनी जड़ी बूटियां स्थापित हो पाई हैं। इसके लिए आपको कोटि कोटि नमन। अब मुझे आज्ञा दीजिए देवो। हनुमान प्यारे बाल भगवान जी है, बाल लीला रच के जगत को दिखायो है। कांधे पे गदा को साधे ऊंचे ऊंचे देव, उड़े हाथ में संजीवनी की बूटी लिए आयो है। राम हनुमान की भविष्य योजना है, जाम मृतक को जीवन दे पल में दिलायो है। हुई हुई बूटी खोज लाए हनुमान धाए, पिता के बहाने काज राम को बनायो है। पिता के बहाने काज राम को बनायो है। पिता के बहाने काज राम को बनायो है। तेरा लाल आ गया। ये रही संजीवनी बूटी, अब आप पिताजी का उपचार कीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। महारानी, चोटों के कारण इनके शरीर में रक्त का आंतरिक रिसाव हो गया है।